चलें जी, अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप। दो पार्टीज हैं आपके सामने। अब तक आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था करने के लिए। एक पार्टी चाह रही है कि हमें फिक्स रेट मिल जाए, दूसरी पार्टी चाह रही है कि हमें फ्लोटिंग रेट मिल जाए, ठीक है। और दोनों के पास अपने अपने इंटरेस्ट रेट के ऑप्शन मौजूद हैं जो उनके बैंक उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सिनेरियो का अगर पर्सपेक्टिव देखें थोड़ा सा, तो एक कंपनी है हमारे पास मल्टी कॉर्प लिमिटेड, विच इज एमसी। एमसी के फाइनेंस डायरेक्टर चाह रहे हैं कि इनको वेरिएबल लोन मिल जाए, वेरिएबल रेट पे लोन मिल जाए विद द बैंक, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग्स है, एक पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें वेरिएबल रेट महंगा मिलेगा क्योंकि ये छोटी कंपनी है, इनकी लोअर क्रेडिट रेटिंग है, स्मॉलर साइज है, तो ये चाह रहे हैं कि इनको फिक्स रेट के ऊपर बोरिंग मिल जाए। करंटली अगर अपने बैंक से बात करें तो पाकिस्तान कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के हिसाब से, या अपने बैंक से अगर ये बात करें, तो इन्हें तकरीबन 8.5% या फ्लोटिंग रेट काइबोर प्लस 0.5% पे लोन मिल जाएगा, और सीएच को 10.5% और फ्लोटिंग रेट काइबोर प्लस 1.1 पे लोन मिल जाएगा। अच्छा, इनको जो रेट्स चाहिए वो रेट्स मिल तो रहे हैं, मतलब इन्होंने वेरिएबल की बात की एमसी ने, तो काइबोर प्लस 0.5 इनको मिल रहा है, और कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग्स ने फिक्स की बात की तो इनको फिक्स 10.5% मिल रहा है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा महंगा रेट है, बहुत ज्यादा महंगा रेट है, इसमें सेविंग लाई जा सकती है, इसमें कुछ बचाया जा सकता है, इसलिए ये एक इंटरेस्ट रेट स्वैप अरेंज करने का मामला कर रहे हैं। एन इंटरेस्ट रेट स्वैप कैन बी अरेंज थ्रू एमसीज बैंक, विच विल चार्ज फी ऑफ 0.15% ऑफ द लोन अमाउंट टू ईच पार्टी एंटरिंग इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट। द बैंक इज सजेस्टिंग द फॉलोइंग स्वैप टर्म्स टू ओपन निगोसिएशंस। सीएच विल पे 9% फिक्स टू एमसी एंड एमसी विल पे काइबोर प्लस 0% टू सीएच। यानी इनको पैसा बच रहा है यहाँ पे, आप अगर गौर से देखें तो ये 9% फिक्स्ड यहाँ हो रहा है, जबकि बैंक से लेने जाएंगे तो 10.5 मिलेगा, और काइबोर प्लस 0 यहाँ पर हो रहा है, जबकि बैंक से लेने जाएंगे तो काइबोर प्लस 0.5 मिलेगा। अपेरेंटली स्वैप की वजह से इनकी 0.5 की सेविंग हमें यहाँ नजर आ रही है, और अपेरेंटली इस फिक्स के अंदर इनकी 1.5% की सेविंग तकरीबन यहाँ नजर आ रही है। लेकिन ये तब जब वेरिएबल पे ये ऑप्टेन करें और उनको स्वैप करें, और फिक्स के ऊपर ये ऑप्टेन करें और इनको स्वैप करें, ठीक है। ये थोड़ा सा एक मुनफरिद, ये कह ले को थोड़ा सा एक डिफरेंट सवाल है, प्लस बैंक की अपनी फी भी है 0.15%। हमें नॉर्मली हम स्वैप अग्रीमेंट के सवालत में क्या देखते हैं, एक साइड देख लेते हैं, एक फिक्स पे होता है। एक फिक्स पर होता है, उसको वेरिएबल चाहिए होता है, दूसरा वेरिएबल रेट पर होता है, उसे फिक्स चाहिए होता है। और हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म इस तरह से है कि इनके पास ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हमें ये देखना है कि अगर ये स्वैप की तरफ आते हैं और इस तरह से करके स्वैप करते हैं अपने लोन्स को, या इस अग्रीमेंट के ऊपर फॉल करते हैं ये वाले, तो क्या इन्हें फायदा होगा या नहीं होगा। एक्सप्लेन द पर्पस एंड काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट एंड आल्सो द बेनिफिट्स। Evaluate the financial impact to both the companies and recommend revised interest rate swap terms which are more likely to be acceptable. यहाँ पे देखो इन्होंने लाइन लिखी है ओपन निगोसिएशन। ओपन निगोसिएशन का मतलब ये जो टर्म्स यहाँ पे लिखी गई हैं, इनमें थोड़ा बहुत रद्दो बदल हो सकता है। पहले हम इन टर्म्स की बेसिस पे देखते हैं कि इनको फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अगर इन टर्म्स की बेसिस पे फायदा हो रहा है तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। नॉर्मली जब दो कंपनीज आपस में स्वैप करती हैं इस तरह से लोन को और बेनिफिट हो रहा होता है, तो कोशिश ये होती है कि बेनिफिट आधा आधा बढ़ जाए। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बेनिफिट की क्या सूरत हाल है और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो कंपनीज हैं, एमसी और सीएच। इनकी डिजायर क्या है सर? इनकी डिजायर अगर हम देखें, जो 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 इन्हें चाहिए, द फाइनेंसिंग दैट दे वांट, इनकी डिजायर है फ्लोटिंग, इनकी डिजायर है फिक्स, ठीक है। अगर हम डिजायर पे रेट देखते हैं, डिजायर पे हमारी कॉस्ट देखते हैं, वो कितनी आ रही है सर? यहाँ पे आ रही है काइबोर प्लस 0.5%, यहाँ आ रही है 10.5%, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर हम देखते हैं अनडिजायर्ड, किस चीज की इनको डिजायर नहीं है सर, बिल्कुल उल्टा कर लें, यहां आप फिक्स कर लें, इनको फिक्स नहीं चाहिए, इनको फ्लोटिंग नहीं चाहिए। अगर ये फिक्स पे जाते हैं तो रेट क्या बनता है?
कॉस्ट की अगर हम बात करें सर, यहाँ बनता है 8.5%, ठीक है 8.5%, और यहाँ बनता है काइबोर प्लस 1.1%। ये कुछ भी नहीं, पैराग्राफ में जो डिटेल्स आई हुई है हमने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सही, ये दो बारल आपके सामने डिसीशन नजर आ रहे हैं जो बैंक ने स्वैप टर्म्स प्रपोज किए हैं। जो बैंक ने स्वैप टर्म्स प्रपोज किए हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलें और बैंक की कॉस्ट वगैरह लगाएं, सारी चीजें करें, तो हमारे पास नेट आउटकम ऑफ स्वैप क्या बनेगा, आए वो देखते हैं। नेट आउटकम ऑफ स्वैप, सर इनको वेरिएबल चाहिए, एमसी वालों को, ये लोन फिक्स में ले रहे होंगे, इनको फिक्स चाहिए, लोन इनका नॉर्मली बजायर जो है वो फ्लोटिंग हो रहा होगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट फाइनेंसिंग, इनकी फाइनेंसिंग यहां पर फिक्स में हो रही होगी और इनकी फाइनेंसिंग नॉर्मली यहां पे फ्लोटिंग में हो रही होगी, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखें, अजी अब जो स्टेप में करने जा रहा हूं बहुत गौर से देखना, बेशक कभी कॉपी ना करो, ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखें तो यहां पे बनती है 8.5%, ठीक है, यहां पे बनती है काइबोर प्लस 1% या 1.1%, ठीक है। टोटल कॉस्ट यहां पे कितनी हो जाती है, सिर्फ टोटल कॉस्ट हो जाती है काइबोर प्लस 9.6%, ये टोटल कॉस्ट है जो बाजार इनको यह नजर आ रही है। अगर स्वैप हो जाता है तो क्या होगा, स्वैप कैश फ्लोस, अगर स्वैप हो जाता है तो क्या होगा, सर अगर स्वैप हो जाता है तो सबसे पहले तो इन दोनों को बैंक की फी पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बैंक अपनी फी मांगेगा, बोलेगा लाओ मेरी फी दो, 0.15 ये भी देगा, 0.15 ये भी देगा, ये अपने अपने बैंक को इंटरेस्ट दे के आ चुके हैं। 8.5 इसने दे दिया है, काइबर प्लस 1.1 इसने दे दिया है। स्वैप का अरेंजमेंट अलग बैंक के साथ होता है, सेम बैंक इसके साथ नहीं होता है। 0.3% यहां भी पे होगा। स्वैप का फ्लोटिंग रेट, सर स्वैप का फ्लोटिंग रेट है हमारे पास काइबोर प्लस 0। ये रहा काइबोर की क्या बात हुई थी, सर काइबोर की ये बात हुई थी कि एमसी को वेरिएबल चाहिए तो ये काइबोर पे करेंगे और सीएच रिसीव करेगा। यहां पे आप कह लें काइबोर पे करेंगे, ये काइबोर रिसीव कर रहा होगा, ठीक है, पॉजिटिव मतलब रिसीव कर रहा होगा, नेगेटिव मतलब, और नेट पे ये 0 हो जाएगा। फिक्स के केस में, सर फिक्स के केस में इनको 9% मिल रहा होगा, रिसीव 9%, ये 9% पे कर रहे होंगे क्योंकि यहां पे हमने लिखा हुआ है, देखा 9% फिक्स टू एमसी, एमसी को बेसिकली आपने यहां पे किया और सीएच के जेब से निकला। ये भी नेट आउटकम यहां पे बिल्कुल 0 बन जाएगा। अब आप यहां पे नेट आउटकम देखिए क्या बनता है, इधर नेट आउटकम क्या बनता है, सर टोटैलिटी में अगर आप टोटैलिटी में देखें तो काइबोर प्लस 9.9% टोटैलिटी में निकल रहा है। सबसे पहले ये टोटल किया है मैंने यहां पे इधर, बिल्कुल सर काइबोर प्लस 9.9% यहां पर नेट आउटकम निकल रहा है। एट द सेम टाइम सीएच को अगर मैं देखूं तो देखो ये काइबोर आ रहा है, ये काइबोर कैंसिल हो गया, ये पे किया, ये रिसीव कर लिया, पे किया रिसीव कर लिया, पे किया रिसीव कर लिया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। इनकी नेट कॉस्ट बन क्या रही है सर, ये और ये 9, 1.1 मिलाओ 10.1, 10.1 में 0.15 मिलाओ बनी 10.25%, 10.25%। और इनकी अरेंजमेंट कितनी बनी सर इस टोटल में से, क्योंकि काइबोर आई क्या आपने हमें बताया नहीं है, इस सवाल में काइबोर बता दिया होता तो कोई मसला ही नहीं था। काइबोर प्लस 9.9 माइनस 10.25, इसमें से इसको माइनस किया है, इस टोटल में से इसको माइनस किया है, तो ये बन जाता है काइबोर माइनस 0.35%, ये बन जाता है काइबोर माइनस 0.35%, काइबोर माइनस 0.35%। क्यों सर, काइबोर प्लस 9.9 था, 10.25 को 9.9 में से माइनस कर दो, इनको काइबोर से भी कम पे करना पड़ रहा है, वेरिएबल में इनको काइबोर से भी कम पे करना पड़ रहा है। अगर ये वो नहीं करते बेसिकली इस स्वैप अरेंजमेंट में नहीं जाते, इस स्वैप अरेंजमेंट में नहीं जाते, बल्कि जो पहले इन्होंने सोचा हुआ था वो खुद ही कर लेते, अगर ये खुद ही कर लेते तो क्या होता, यानी हम कह लें बोरिंग इफ नो स्वैप,
सर अगर ये स्वैप नहीं करते तो इनकी जो ख्वाहिशात थी, इसकी वेरिएबल थी, इसकी फिक्स थी, तो ये वेरिएबल के हिसाब से पे करता काइबोर प्लस 0.5%, ये पे करता फिक्स के हिसाब से 10.5%, क्योंकि उसको लोन मिली इतने पे रहा था, उसको लोन इतने पे ही मिल रहा था, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, इतने पे ही लोन मिल रहा था, सही है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर स्वैप कर लिया तो फिर क्या कॉस्ट आई, बोरिंग कॉस्ट इफ स्वैप, बोरिंग कॉस्ट इफ स्वैप, अगर आप स्वैप कर लेते हैं तो क्या बोरिंग कॉस्ट आती है, सर फिर आती है काइबोर माइनस 0.35 और यहां आती है 10.25, दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, दोनों को हो रहा है, बजायरी अरेंजमेंट समझ ना आने वाला अरेंजमेंट है, लेकिन देखो बेनिफिट आपकी आंखों के सामने, दोनों को अरेंजमेंट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, इधर दोनों मिला के काइबोर प्लस 11% पे कर रहे थे, सॉरी काइबोर प्लस 0.5 और 10, हाँ काइबोर प्लस 11 पे कर रहे थे, बिल्कुल सही है, काइबोर प्लस 11 पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्वैप के अरेंजमेंट के साथ काइबोर प्लस 9.9 पे कर रहे हैं, काइबोर प्लस 9.9 पे कर रहे हैं, इनका बेनिफिट निकालो जरा, सर इनको बचत हो रही है, इधर ये काइबोर प्लस 0.5 कर रहे थे, अब ये माइनस 0.35 कर रहे हैं, इनको बचत हो रही है प्लस 0.85 की, इस गले ने कसम खा ली है कि वर्कशॉप खत्म होगी फिर ये ठीक होगा, 0.85 और फिर यहां पे आप देखें तो बेनिफिट है 0.25 का, कुल मिला के इन दोनों को 1.1% का बेनिफिट हो रहा है, 11 माइनस 9.9 करोगे 1.1 आएगा, काइबोर तो काइबोर से कैंसिल हो गया, 1.1 का दोनों को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप बेनिफिट देखो तो ज्यादा बेनिफिट यहां पर हो रहा है, इस केस में एमसी को ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, सीएच को कम हो रहा है, हालांकि काम दोनों ने किया है। अब ये निगोशिएशन के ऊपर होता है कि कौन कितनी कन्विंसिंग पावर रखता है, लेकिन आइडियल बेनिफिट दोनों के दरमियान इक्वल होना चाहिए, आइडियल बेनिफिट दोनों के दरमियान इक्वल होना चाहिए, यानी कि 0.55 एक तरफ, 0.55 एट द सेम टाइम दूसरी तरफ, दोनों का इस तरीके से आइडियल बेनिफिट वाला केस होना चाहिए, 0.55 यहां पर और 0.55 यहां पर, यानी 1.1% इनका इस तरीके से यहां पे टोटल बेनिफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से जो है वो होना चाहिए, और बेनिफिट को बराबर ही आपस में स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करके अपना मामला जो है वो तय कर लें। तो सर जब आइडियल बेनिफिट अप्लाई होगा फिर स्वैप पेमेंट्स क्या होंगी, अभी देख लेते हैं, एमसी और सीएच, बोरोइंग इफ नो स्वैप, अगर ये स्वैप नहीं करते और अपनी नॉर्मल बोरोइंग पे जाते तो इनको मिलता काइबोर प्लस 0.5 के ऊपर वेरिएबल और इनको फिक्स मिलता 10.5 के ऊपर। अब दोनों को करना ये चाहिए कि अच्छे इंसानों की तरह आइडियल बेनिफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो आइडियल बेनिफिट कितना बनता है, सर वो बनता है 0.55%, यानी ये इसकी कॉस्ट भी 0.55 से कम हो, इसकी कॉस्ट भी 0.55 से कम हो। अब इनकी रिवाइज स्वैप आउटकम क्या बनता है, रिवाइज्ड स्वैप आउटकम, ठीक है, अब इनका रिवाइज स्वैप, ये तीसरी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट सी जो हम कर रहे हैं, रिवाइज्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप टर्म्स विच आर मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेबल, फाइनेंशियल इंपैक्ट बोला, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी हमने यहां निकाल लिया, पहले वाले में एक्सप्लेन द पर्पस एंड काउंटर पार्टी रिस्क बोल रहा है वो हम उस पर बात कर लेते हैं, सही। रिवाइज स्वैप आउटकम हमने यहाँ पे देखा कितना बन जाता है, सर आप 0.5 में से 0.55 माइनस कर दो, काइबोर माइनस 0.05%, काइबोर माइनस 0.05%, और यहां पे बन जाएगी 9.95%। अब बेनिफिट हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, तो जो नेट आउटकम 10.25 बन रहा था सीएच के लिए वो 9.95 बन गया, और जो नेट आउटकम एमसी के लिए काइबोर माइनस 0.35 बन रहा था तो काइबोर माइनस 0.05 हो गया, ठीक है, ये आपका रिवाइज्ड स्वैप आउटकम बन गया, और इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में पेमेंट्स और ये सारी चीजें जो है वो इस तरीके से बिल्कुल चेंज हो गए, ठीक है, ताकि इनका बेनिफिट रिवाइज स्वैप आउटकम में इस तरह से बन जाए। पहले वाले में कहता है पहले पार्ट में एक्सप्लेन द पर्पस एंड काउंटर पार्टी रिस्क ऑफ एंटरिंग इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट एंड ऑल्सो द बेनिफिट्स ऑफ एन इंटरेस्ट रेट स्वैप टू द बोर्ड ऑफ एमसी, बेनिफिट तो जाहिर है इनको अपनी जगह पर होगा, बेनिफिट हमने कैलकुलेट भी करके बता दिया है,
क्या ये स्वैप कर रहे हैं तो इससे इनको बेनिफिट हो रहा है। काउंटर पार्टी रिस्क बेसिकली ये होता है कि दोनों पार्टीज को सेम अमाउंट ऑफ बोरोइंग लेनी होती है, दोनों पार्टीज को सेम अमाउंट ऑफ बोरोइंग लेनी होती है। अब मुझे 500 मिलियन का लोन लेना है, किसी दूसरी पार्टी को 300 मिलियन का लेना है, तो हमारा स्वैप अरेंजमेंट तो हो गया लेकिन मेरे 200 मिलियन अंडर हेज रह जाएंगे, मैं उनको हेज नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ 300 को हेज कर पाऊंगा। ये बेसिकली काउंटर पार्टी रिस्क कहलाता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स होते हैं, कंपनीज म्यूचुअली डिवाइड कर सकती हैं, अगर किसी क्रेडिट रेटिंग है उसको ज्यादा महंगा इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको कम में मिल सकता है, किसी को फिक्स की जगह फ्लोटिंग चाहिए तो फ्लोटिंग में मजीद कमी आ सकती है, ये स्वैप के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो एक स्वैप वो है जो आप नॉर्मली करते हो, ठीक है, और एक स्वैप इस तरीके का है, बाकी तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर स्वैप टेस्ट होगा तो इन्हीं दो तरीकों में से टेस्ट होगा, और किसी तरीके से टेस्ट इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो गया।